स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 6 स्वीट होम स्टडी किया था। आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर ईवीएस बुक एंड मेंशन डेट एंड डे ऑन इट। ओके, ओपन पेज नंबर 32 एंड मेंशन डेट एंड डे। ओरल स्किल्स, ए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर डू वी स्टडी इन द हाउस, हम हाउस में किस जगह स्टडी करते हैं, है ना, कहाँ स्टडी करते हैं। तो स्टडी रूम, कहाँ स्टडी करते हो बच्चों आप, स्टडी रूम में। आप स्टडी कहाँ करते हो बच्चों, स्टडी रूम में। सेकेंड, वेयर डज योर मदर कुक फूड, आपकी मम्मा फूड कहाँ पे कुक करती है, खाना बनाते हैं ना, कहाँ बनाते बच्चों, किचन। वॉट आर पेट्स, पेट्स क्या होते हैं, ऐसे एनिमल जिसे हम पालते हैं वो पेट्स होते हैं ना। एनिमल्स लिव विथ अस इन अवर हाउस, है ना, ऐसे एनिमल जो कि हमारे साथ रहते हैं हमारे घर में, अवर होम। फोर, हाउ डू यू हेल्प एट होम टू कीप इट क्लीन, आप घर को क्लीन करने में कैसे हेल्प करते हैं। तो ये एजुकेशन का आंसर हम अपनी नोटबुक में करेंगे। फिफ्थ, वेयर डू यू स्लीप इन द हाउस, आप घर में कहाँ सोते हैं, बेडरूम। बी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट, हाउ डू वी कीप अवर हाउस, हमें हमारा हाउस कैसा रखना चाहिए, डर्टी गंदा रखना चाहिए क्या, नो, क्लीन कैसा रखना चाहिए, बॉथ या नन ऑफ दिस, कैसा रखना चाहिए हमें हमारा हाउस, क्लीन रखना चाहिए बच्चों, कैसा रखना चाहिए हमारा हाउस, हमें क्लीन रखना चाहिए। आप सभी भी रखते हो ना आपका हाउस क्लीन, क्लीन रखेंगे तो जर्म्स नहीं आएंगे, डिसेस नहीं होगी, है ना। सेकेंड, ए किचन इज अ रूम वेयर वी, एक किचन एक रूम है जहाँ पे हम क्या करते हैं, कुक, रेस्ट, बाथ या स्लीप, क्या करते हैं हम, कुक, खाना बनाते हैं ना। कौन बनाते हैं घर में खाना, मम्मा बनाती है, और कहाँ पे बनाती है, किचन में, है ना। किचन कौन सा रूम है, जहाँ पे हम अपना खाना बनाते हैं। थर्ड, वॉट शुड वी रिमूव फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द रूम्स इन अवर हाउस, हमें रूम के हर एक कॉर्नर से क्या रिमूव करना चाहिए, क्या निकालना चाहिए। अच्छा, कोने कोने कॉर्नर में क्या लग जाता है, कॉबवेब लगता है ना, कॉबवेब मतलब पता है क्या होता है आपको, मकड़ी का जो जाल होता है ना उसे कॉबवेब कहते हैं, क्या कहते हैं, मकड़ी के जाल को कॉबवेब कहते हैं। तो हमें हमारे घर के हर एक कोने से कॉबवेब को रिमूव करना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉबवेब, है ना, टिक करेंगे कॉबवेब पर। ओके, सी, फील इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, आपको यहाँ वर्ड्स दिए हुए उसे आपको इन ब्लैंक्स में फील करना है। ओके, डिसिस मतलब बीमारियाँ, वैक्यूम क्लीनर जो कि क्लीन करने के लिए यूज में आता है, स्वीपिंग स्वीप झाड़ू लगाना, होम, होम मतलब आप सभी को पता है। फर्स्ट, ओके, द हाउस वेयर वी लिव विथ आवर फैमिली मेम्बर्स इज कॉल्ड अ होम, ऐसा हाउस जहाँ हम हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं उसे क्या कहा जाता है बच्चों, होम, है ना। ऐसा हाउस जहाँ हम हमारी फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं उसे होम कहते हैं, क्या कहते हैं, होम। सेकेंड, मॉस्किटोस स्प्रीड डिसीज एंड मेक अस इल, मॉस्किटोस समझते हो ना, मच्छर क्या करते हैं, डिसीज फैलाते और हमें बीमार करते हैं ना, डिसीज फैलाते और हमें बीमार करते हैं। मॉस्किटोस क्या करते हैं बच्चों, मॉस्किटोस डिसीज फैलाते हैं और हमें बीमार करते हैं। थर्ड, वी यूज़ अ वैक्यूम क्लीनर टू क्लीन अवर होम, हमारे घर को क्लीन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वैक्यूम क्लीनर का, है ना। वैक्यूम क्लीनर का यूज़ हम क्यों करते हैं, हमारे घर को क्लीन रखने के लिए हम वैक्यूम क्लीनर का यूज़ करते हैं। फोर्थ, वी कैन हेल्प अवर पेरेंट्स बाय स्वीपिंग द फ्लोर, है ना, हम हमारे पेरेंट्स की हेल्प कैसे कर सकते हैं बच्चों, स्वीपिंग द फ्लोर्स, फ्लोर को स्वीप करके झाड़ू लगा के हम क्या कर सकते हैं, हमारे पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। ओके, ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ। अब आपको क्या करना है, डेकोरेट योर स्टडी रूम और ड्राइंग रूम विद सर्टेन आइटम्स मेड फ्रॉम सम वेस्ट प्रोडक्ट सच इज पेपर बॉक्सेस एंड रैपर
ड्रॉ इट्स पिक्चर ऑल्सो इन द स्पेस गिवन बिलो। यहाँ पे आपको पिक्चर बनानी है ओके, और आपको कोई भी वेस्ट मटेरियल से कोई अच्छी सी डेकोरेशन की थिंग्स बनाकर आपका स्टडी रूम आपको डेकोरेट करना है ओके। आज हम यहीं तक करेंगे बुक एक्सरसाइज। आई होप आपको ये बुक एक्सरसाइज समझ में आई होगी। थैंक यू।